भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार पूरे देश में पुरजोर आंदोलन होता आ रहा है। मतलब कि जाहिर है कि किसान अपने हक और अधिकार को प्राप्त नहीं करवा पाते हैं और उसी के लिए इस प्रकार के संगठन का निर्माण होता है, झारखंड किसान महासभा, झारखंड किसान सहयोग समिति, झारखंड किसान, विभिन्न प्रकार के संस्थाएं बनती हैं ताकि किसानों को मजबूत किया जा सके, क्योंकि यही वो किसान, यही वो अन्नदाता हैं जिनके खेत में खटने के बाद, जिनके हल चलाने के बाद हम और आप जी पाते हैं, तंदुरुस्त हो पाते हैं। और रामगढ़ डेली मार्केट में भी इसी प्रकार का किसान सब्जी विक्रेताओं के हक और अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद किया गया। झारखंड किसान महासभा, झारखंड किसान सहयोग समिति के बैनर तले राज्यपाल के एक आदेश को लेकर किसान सब्जी विक्रेताओं को छावनी परिषद अंतर्गत डेली मार्केट में बसाने के लिए, यही संतोष महतो हैं, संतोष कुमार महतो जो किसान महासभा के पदाधिकारी हैं, JBKSS के लीडर भी हैं, इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से आंदोलन किया और आंदोलन सफल भी हुआ। जिला उपायुक्त से मुलाकात की, छावनी परिषद के अधिकारियों से मुलाकात की और आज इनका आंदोलन सफल हुआ। उसी सफलता को बयां करने और इनके आंदोलन की सफलता का आभार जिला उपायुक्त श्री चंदन कुमार और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अनंत आकाश जी को देने के लिए आज इनकी टीम यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है, जब कोई कलाकार अच्छा स्टेज पर नाचता है, अपने फन का प्रदर्शन करता है तो तालियों की गड़गड़ाहट उनको खुशी प्रदान करती है, वैसे ही अगर कोई अधिकारी अच्छा काम करे, किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए लड़े और उनका जायज अधिकार दिलाने के लिए प्राइमरी एक्शन उठाए तो उनको बेशक इसी प्रकार के तारीफ मिलने चाहिए। बहुत 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 अच्छा लगा हमको कि आप लोग आज उपायुक्त महोदय और CO साहब के द्वारा जो कार्रवाई की गई, प्राइमरी एक्शन लिया गया और आपका आंदोलन सफल हुआ, तो उसके लिए आज जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे जी? मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। मैं जिला प्रशासन, जो हमारे DC साहब हैं, DC साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। छावनी परिषद के जो CEO हैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि झारखंड किसान महासभा के द्वारा उठाए गए आंदोलन, जो कि छावनी परिषद का डेली मार्केट है, वहां पर आम किसानों के लिए जो बाज़ार लगाने का व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ बिचौलियों ने उस जगह को कब्जा कर लिया था और वहाँ के जो रियल व्यक्ति है, जिसको वहाँ पर स्थान मिलना चाहिए, जो हमारे रियल किसान हैं जिसको स्थान मिलना चाहिए, उन लोगों को बैठने का स्थान नहीं मिल रहा था और उन लोगों को कचड़े में बैठकर अपने सब्जी का है सो व्यवसाय करना पड़ रहा था। उसके बावजूद भी वहाँ पर भी यदि वो आते थे, व्यवसाय करते थे, तो वहाँ पर भी तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे थे लोग, वहाँ पर जितने भी हैं प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे। लेकिन DC साहब के द्वारा उठाए गए कदम, जो झारखंड किसान महासभा ने मांग किया था कि ऐसे जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, DC साहब जिस तीव्रता से एक्शन लिए और वहाँ के CEO साहब जिस तरह से दोनों के मिलन से जो काम हुआ, वह मतलब हाईकोर्ट का ऑर्डर के जैसा है सो काम हुआ। इतना त्वरित गति से काम करने के लिए अभी कहीं ऐसे उस तरह के कोई DC साहब नहीं दिखे हैं। तो जो हमारे DC साहब हैं उसका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। अब इस कार्यक्रम में देखा गया कि हमारे किसान संगठन के नेता जो संतोष महतो जी हैं, संतोष महतो जी इस कदम को लेकर आगे बढ़े, इस मांग को लेकर आगे बढ़े, सफलता मिली। सफलता मिलने के बाद लोग ताली क्या बजाएंगे, कुछ लोग गाली देना चालू कर दिए। अब सोचने वाली बात है कि किसानों की हक और आवाज़ को लेकर कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है, सफल हुआ है, किसानों को उनका हक और अधिकार मिल गया, उनका स्थान मिल गया, तो यहाँ पर ताली बजाने का काम होना चाहिए, ना कि गाली देने का काम होना चाहिए। और गाली भी यदि दे रहे हैं तो यदि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह का उस तरह का कोई काम हुआ है तो गाली दीजिए, तो बात अलग है। अब किसी के निजी ज़िंदगी में यदि कुछ बात है तो उसका आप सार्वजनिक रूप से उसकी छवि खराब करने के लिए यदि काम कर रहे हैं तो यह गलत है और इसका झारखंड किसान महासभा खंडन करता है। डिसीजन देने के लिए है सो कोर्ट बना हुआ है और हमारे संतोष भाई जी जो है उनका है सो कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया हुआ है उनके पक्ष में आया हुआ है, वे कहीं भी इस मामले में दोषी
कोर्ट के मामले में नहीं ठहराए हैं। विशेष रूप से इस मामले में जो भी बारीकियां हैं, यदि कोई मीडिया बंधु जानना चाहते हैं, जो भी आरोप लगाने वाले हैं वे यदि जानना चाहते हैं, तो संतोष भाई से उनकी बारीकियों को जान सकते हैं। जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करने, और यही वो संतोष महतो हैं जो इस आंदोलन की सफलता के बाद इनके ऊपर कई तरह के दाग लग गए हैं, कई तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया, जिसका खंडन हमने कल इनके मुंह से आपको सुनवाया भी था। आज वही टीम है जो इनके समर्थन में किसान महासभा आई है, और इस बात की घोर निंदा करते हुए आगे भी इस मुद्दे पर आंदोलन करने की बात कर रही है। रीता जी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे बताइए। जोहार, सबसे पहले सारे मीडिया बंधुओं को जोहार, और सबसे पहले तो हम डीसी सर को बधाइयाँ देना चाहेंगे कि हमारे साथ मिलके हमारे हमको सपोर्ट किए और हमको हमारे हमारी बात को सबसे पहले एक्शन लिए और हमारी जो मांग थी उसको पूरा किए। धन्यवाद सर, और हमारे सीए सर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और सबसे बड़ा चीज़ चाहेंगे कि हमारे किसानों के लिए कोई लड़ नहीं रहा है। आज जो हमारे किसानों के लिए हमारे भाई संतोष महतो जो लड़ रहे हैं, उनके लिए गलत आरोप लगाया जा रहा है, किस तरह से उनकी मनोबल को नीचे किया जा रहा है। हमारे किसानों के लिए लड़ रहे हमारे भैया को इस तरह से मनोबल ना किया जाए, नहीं तो हम आगे आंदोलन करें। और बाकी अभी हमारे संतोष भाई को पहले ही कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया है ना, तो बार बार एक ही मुद्दे को या फिर गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना ठीक नहीं है। अभी हम यही कहना चाहेंगे, यदि इनकी छवि को खराब फिर से दोबारा खराब, इनको व्यक्तिगत भी बहुत सारी हरासमेंट हुई है, दोबारा इनको हरासमेंट किया जाएगा तो हम लोग सारे किसान जो है रोड पे आंदोलन पे उतर जाएंगे। और हमारे साथ अभी पूरे झारखंड से किसान जुड़े हुए हैं, लगभग लाखों की संख्या में जो पूरे किसान हैं वो रोड पे उतर के विरोध का प्रदर्शन करेंगे। और मैं अपील करना चाहूँगा कि सारे लोग इसके समर्थन में आए, और इनको निर्दोष तो है ही है, निर्दोष रहें तभी इनको कोर्ट ने निर्दोष मुक्त साबित किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। टीम के लोग चुनौती दिए उन लोगों को, झारखंड किसान मजदूर फाउंडेशन के लोगों को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संतोष महतो के चरित्र को हनन करने का काम किया। इन लोगों के अनुसार इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि आगे भी किसानों के हक और अधिकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम पुरजोर आंदोलन करेंगे, चाहे कितनी भी दाग कितने भी आरोप इनके ऊपर लगा दें, ये डरने वाले नहीं है। अन्नदाता के लिए अंतिम कड़ी तक इनका ये लड़ाई इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।